अगर पेड़ बोल सकते, अगर पेड़ बोल सकते तो, अगर पेड़ बोल सकते तो वो शायद अपना दर्द बयां कर पाते। सोचो, पेड़ भी तो हमारी तरह जीवधारी ही हैं, उनमें भी तो जान होती है, उन्हें भी तो दर्द होता होगा, लेकिन हम उन्हें काटते समय जरा भी नहीं सोचते। मैंने बचपन में पढ़ा था कि जीवन जीने के लिए धूप, हवा और पानी तो सभी को चाहिए, और ये तीनों रिसोर्सेस प्रकृति ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं, लेकिन अपने लालच और महत्वाकांक्षाओं की वजह से हम इन्हें ही नष्ट करते जा रहे हैं। पेड़ काट काट कर हम बिल्डिंगें बनाते जा रहे हैं, वाहनों की अधिकता और फैक्ट्रीज के धुएं से हम पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, और हमारी हवा जहरीली होती जा रही है, और बची सूर्य की रोशनी जो हमें ऊष्मा और ऊर्जा देती है, तो ओजोन लेयर के घटने से वो भी हमें जलाना शुरू कर देगी। काश हम अपनी लाइफ लाइन्स को बचा पाते और अपने हवा, पानी और वातावरण को शुद्ध रख पाते, तो बीमारियां कितनी कम हो जाती। काश हम अपनी एम्बिशंस को, प्रकृति को बिना हानि पहुंचाए पूरी कर पाते और अपने लालच को सीमित रखकर एक अच्छा जीवन जी पाते, जिसमें हम प्रकृति के नजदीक भी होते और स्वस्थ भी रहते। पेड़ की टहनी तोड़ने पर भी आवाज होती है ना, ठीक वैसी जैसी कि हमारी हड्डी चटकने की होती है। काश पेड़ भी हमारी तरह चिल्ला पाते कि उन्हें दर्द हो रहा है, तो शायद हम उनका दर्द समझ पाते। अगर ऐसा होता।